खाली इंडिया में खाली दो ही गाड़ी बची हुई है अभी, मतलब है ही दो ही, R25 करके तो टू स्ट्रोक में आता ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और कल रात को जो है ना हमने जादव भाई के यहाँ पे जो है स्टे किया था, आपने देखा होगा जिनका कलेक्शन है ना उन्हीं ने जो है इनवाइट किया था मुझे कोल्हापुर। मेरा कोल्हापुर का कुछ भी प्लान नहीं था तो यहाँ पे ना उन्होंने इन्वाइट किया था, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे आता हूँ उनका कलेक्शन देखने के लिए। और कलेक्शन जो है ना बहुत ही बढ़िया है, आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा उनका कलेक्शन। तो आज जो है ना मैं यहाँ से जो है ना कोल्हापुर से जाऊँगा पुणे के लिए। पुणे जो है ना यहाँ से 220 किलोमीटर है। अभी जो ना टाइम हो रहा है 9:35, तो देखते हैं 10 o'clock को या 11 o'clock को जो है ना हम यहाँ से निकलेंगे तो इजीली जो है ना 5 o'clock तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो अभी जो है ना मेरी स्कूटर जो है ना गैरेज पे है जादव भाई के, तो वहाँ पे जाके जो है ना पहले स्कूटर पिक करेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ लगेज जो है ना अपने साथ लेके आया था जो मुझे चाहिए था वही, तो अभी यहाँ से जाते हैं गैरेज पे और वहाँ पे जो है ना एक बार आपको फिर से एक बार कलेक्शन दिखा देता हूँ उनको। और फिर जो है ना हम अपनी राइड स्टार्ट करेंगे कोल्हापुर टू पुणे के लिए। ये सब जितने भी व्हीकल्स हैं ना ये सब जो है ना कोल्हापुर वेंटेज क्लब के जो है ना मेंबर्स के हैं। और यह हमारा कोल्हापुर वेंटेज बाइक, इसके तरफ से इनको फेटा बांधा जा रहा है। ये फेटे बांधने वाले हमारे छोटू भाई है और ये अपना शंतनु जादव। इसमें रवि भाई है, अल्ताफ भाई है, विक्रम भाई और हमारा नाना। सर सलामत, तू पगड़ी 50। ये कोल्हापुर की शान है फेटा। पूरे गेट्स जो है ना मैंने यहाँ पे डाल दिया और लुक जो है ना इससे बहुत ही बढ़िया आ रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये जो है ना शाहूजी महाराज का जो है ना पैलेस है कोल्हापुर में, और ये है पूरे कोल्हापुर के वेंटेज क्लब के मेंबर्स। तो उन्हीं के साथ जो है ना यहाँ पे हम आए थे और अभी जो है ना टाइम हो रहा है 11:52 और यहाँ से जो है ना मुझे जाना है पुणे, जो 230 किलोमीटर अभी बाकी है पुणे जाने के लिए। खाली इंडिया में खाली दो ही गाड़ी बची हुई है अभी, मतलब है ही दो ही, R25 करके तो टू स्ट्रोक में आता ही। कितनी सीसी है? 250 सीसी। और शॉप ड्राइवर उसको चेन नहीं आता, शॉप ड्राइवर को पूरा ओरिजिनल जो कुछ चीज देखो ना सब कुछ ओरिजिनल। ओके सर, थैंक यू। चल निक, चल तब मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखना। ओके सर, बाय 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 बाय। ओके चलो भाई सर। ओके, ये जो प्यार आपने देखा ना ये सब जो है ना टू स्ट्रोक का प्यार है, मतलब हम एक दूसरे को ना कभी मिले नहीं है इससे पहले और कभी बातें भी नहीं हुई थी। आपने जो देखा ना ये सब टू स्ट्रोक का प्यार था, टू स्ट्रोक सेव करने के लिए या जो टू स्ट्रोक जो कलेक्शन है ना उसी का जो ना ये प्यार मोहब्बत थी। और इनसे मिलके जो ना बहुत ही अच्छा लगा और ग्रैंड तरीके से जो ना उन्होंने जो ना मुझे यहाँ पे वेलकम किया कल में। और इनसे मिलके भी जो ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे नए मोटरसाइकिल्स मुझे देखने मिले वेंटेज। और जैसे मैंने ये होंडा जो है ना होंडा ड्रीम 305 जो सीसी है 305, तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी वो और यहाँ पे मुझे देखने मिली। और जो BMW की जो है आर सीरीज R25, तो ये भी मैंने कभी नहीं देखा था पहले। और भी यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन है, अगर मैं टाइम होता ना तो मैं यहाँ पे ज़रूर रुकता और 15 अगस्त का जो इवेंट है ना उसी के बाद निकलता, लेकिन मुझे पुणे में जो है ना 15 को जो है ना वहाँ पे पहुँचना है, रहना है वहाँ पे इवेंट के लिए।
तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। तो इन सब के लिए जो है ना मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कोल्हापुर वेंटेज ओनर क्लब से, जो इतने बढ़िया तरीके से जो ना मेरा वेलकम यहाँ पे किया। तो अभी जो ना पुणे जो ना यहाँ से है 225 किलोमीटर्स, और टाइमिंग कुछ दिखा रहा है ना यहाँ पे 4 hours 10 minutes दिखा रहा है, और टाइमिंग जो ना यहाँ पे दिखा रहा है 4:39 तक जो ना हम पहुँच जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतने टाइम में पहुँच जाएंगे, तो लगे मुझे वहाँ पे पहुँचने के लिए जो ना लग जाएगा 6 o'clock तक जो है ना मैं पहुँच पाऊँगा शायद। सिटी से जो ना हम यहाँ पे फाइनली यहाँ पे हाईवे पे आ चुके हैं, कोल्हापुर पुणे हाईवे। तो यहाँ पे जो ना मैंने पहला ब्रेक लिया था 46 किलोमीटर्स के बाद। यहाँ से जो ना अभी पुणे जो ना 170 किलोमीटर से, अब जो है ना अगला स्टॉप जो है ना हम लेंगे सतारा। सतारा लगभग जो है ना यहाँ से 70 या 65 किलोमीटर जो है ना सतारा है, तो वहाँ पे जो है ना एक स्टॉप लेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद हम जाएंगे पुणे। भाई यहाँ पे हम रुके थे जो है ना खाना खाने के लिए, और खाना खा लिया है, और पेट्रोल भी जो है ना हमने कैन में से जो है ना स्कूटर के अंदर फिल कर दिया। एक बार जो है ना स्कूटर की हालत देखिए, पुणे जो है ना सिर्फ 100 किलोमीटर से, बारिश होने की वजह से जो ना मैंने कैमरा जो है ना अंदर रखा हुआ था, और पूरी जो है ना ये बारिश में जो पानी रोड का रहता है ना वो सब जो है ना उड़के जो है ना पूरे यहाँ पे पूरा ये हो गया, और जैकेट के ऊपर भी ना कुछ जैकेट भी बहुत ही गंदा हो चुका, और हेलमेट का हालत देखिए यहाँ पे देखिए ना फुल। तो आगे जाके जो है ना उसको हम कहीं पे क्लीन कर लेंगे। हल्की हल्की बारिश जो है ना फिर से शुरू हो रही है यहाँ पे। ना ज़्यादा ही बारिश लग रही है, तो हम जो है ना यहाँ पे साइड में रुकाते पहले, और कैमरा निकाल के जो है ना हम अंदर रख लेते हैं अपना। एक साइड जो है ना टनल है, और दूसरी साइड अगर जाते हुए ना हम उन पहाड़ी से जाना होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा में दिख रहा है पता नहीं, लेकिन वहाँ से जो है ना एक रोड जाती है और व्हीकल्स जो है ना वहाँ से जा रहे हैं अभी ऊपर। मैंने अभी ग्लव्स निकाल दिया क्योंकि मुझे अभी मोबाइल यूज़ करना होगा थोड़ा लोकेशन के लिए, और ये वाइट हम जो है ना पूरा हला डालते हैं आदमी को। फाइनली पहुंच चुके हैं पुणे सिटी, और जिस लोकेशन में हमें जाना है ना वो सिर्फ जो ना 5 किलोमीटर से अभी यहाँ से। अभी जो है ना टाइम हो रहा है 5:46। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे पुणे, और ये जो है ना अभिजीत भाई है, और ये है नीलेश भाई, एक आर्टिस्ट है, और ये जो है ना अभी मेरे स्कूटर पे जो है ना यहाँ वो होटल के अंदर ये जो है ना पुणे स्कूटर की तरफ से जो है ना बुक किया गया था। तो मेरे पास ना आपके पास दिखाने के लिए कुछ अलग सा है, और ये है बुक, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहला आर्ट किया हुआ है वेलकम पुणे स्कूटर्स, और यहाँ पे जो है नीलेश आर्टिस्ट उन्होंने जो है ये आर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, हल्का सा मैं इसका मुझे देखकर जो है उन्होंने नॉर्मली ऐसे स्केच बनाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने इनका जो नाम देना ये दूसरे आर्टिस्ट ने बनाया उनका नाम, तो आर्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और
तो इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक बढ़िया से वीडियो के अंदर।